हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मालदीव्स रिक्वेस्ट इंडिया टू विदड्रॉ मिलिट्री पर्सन्स। तो मालदीव ने जो प्रॉमिस किया था अपनी जनता से कि इंडियन मिलिट्री को निकालेंगे, वो चीज़ वो लोग फुलफिल कर रहे हैं। आवर्स आफ्टर बींग स्वॉन इन, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ऑफ द मालदीव्स रिक्वेस्टेड इंडिया टू विदड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम हिज कंट्री। इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई निकालो अपने मिलिट्री मैंस को यहाँ से। मिस्टर मुइजू पर्सनली कन्वेड द मैसेज ड्यूरिंग अ मीटिंग विथ विजिटिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किरेन रिजिजू, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दी स्वेयरिंग इन सेरेमनी एट कैपिटल माले ऑन फ्राइडे। एट द मीटिंग प्रेसिडेंट मुइजू हैज रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विदड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द मालदीव्स। द प्रेसिडेंट नोटेड दैट At the presidential election held in September, the Maldivian people had given him a strong mandate to make the request to India and expressed hope that in India will honor the democratic will of the people of the Maldives. A press release from the president's office of the Maldives announced. Mr. Muizu led Progressive Party of Maldives won the September election by the defeating President Ibrahim Mohamed Soli, Maldivian Democratic Party. On Friday, Mr. Muizu set the stage for his message to India by announcing the country will not have any foreign military personnel in the Maldives. Mr. Muizu did not name the India during his remarks, but it was obvious that he was referring to the presence of Indian personnel. Indian sources argued that the presence of unarmed Indian military personnel was meant for the training of Maldivian personnel and for the maintenance of the equipments. Foreign dignitaries. Mr. Rijiju participated in a Friday swearing in ceremony that saw a number of international delegates, including Samanthan Power, the administration of USAID, Hasad Mohammed, Information Ministry of Bangladesh, Patricia Scotland, Secretary General of the Commonwealth, and Chinese President's Special Envoy Shen Yikin. During their stay, the Indian minister who visited the Exim Bank funded social housing units project at Hulyumail, which is one of the largest Indian developmental projects in the Maldives. अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखते हैं, मालदीव्स ये अपना इंडिया है, श्रीलंका यहाँ पे, अंडमान निकोबार यहाँ पे, लक्षद्वीप यहाँ पे, मालदीव्स माले, और ये अपना दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे अपना मेन जगह है, यहाँ पे अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स आर्मी प्रोफेशनल्स थे। इन्होंने अब इनका कैंपेन जब कर रहे थे ये प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के लिए, तभी इन्होंने बोला था कि भाई हम इंडियन मिलिट्री को निकालेंगे यहाँ से। मतलब निकालेंगे क्या, मतलब वापस भेजेंगे। कहीं ना कहीं इनको भी अपने सोवरेनिटी का डर है। और इन्होंने एक चीज़ पहले भी क्लियर कर दी थी, रिमूविंग इंडियन मिलिट्री डज नॉट मीन वी विल एक्सेप्ट चाइनीज मिलिट्री। तो ये किसी एक के लिए नहीं, ये अपना सोवरेनिटी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं, इंडिया के लिए कुछ एडवांटेजेस पोजिशन तो था यहाँ पे, मिलिट्री थी तो, पर अब देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऑब्वियसली हम, इंडिया ऐसी कंट्री है जो दूसरों की सोवरेनिटी टेरिटोरियलिटी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। अगर वो मना करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, और उनको शायद फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो तब भी हम उनके साथ देंगे। हम ऐसे नहीं है कि भाई हमें कैसे बोल दिया, ये हमारा नेचर ही नहीं है। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, रिपब्लिक स्टेट है, और ये बाकी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बिल्कुल अच्छे से एड्रेस करता है। इंडिया चाइना नहीं है कि भाई दूसरे में घुस के बोले, पाकिस्तान नहीं है दूसरे में घुस के बोले। इंडिया अपने लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, और अपना एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो इंडिया अपने आइडियोलॉजी से चलते हैं। अगर मालदीवियंस पीपल्स को नहीं पसंद है तो हाँ, इंडिया अपना उनका पूरा सपोर्ट करेगा और उनको अश्योरेंस देगा कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही है, ज़्यादा इतना दूर भी नहीं है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।